बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फ्री से होंगे। अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आज इस करते हैं व्लॉग का आगाज दोस्तों, के आज हम आए हैं कोटद्दू लैया में, और इधर हम आए हैं क्योंकि इधर हमारे मामू के बेटे की जो थी ना आज थी वो शादी, और अभी शादी जो है ना वो गई है गुजर, और शादी से हम हो गए हैं फारग। और मेरा दिल किया कि मैं आज ना कोटद्दू का थोड़ा सा नज़ारा आप लोगों को ना पेश करता हूँ, एक छोटी सी वीडियो बनाकर, एक अपना छोटा सा व्लॉग बनाकर आप लोग को दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छा अच्छा माहौल है, यहाँ पर खजूरों के दरख्त हैं, बहुत ही अच्छे आम बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर, काफ़ी जो है ना इंजॉय करने वाला दोस्तों इलाका है। इस जगह पर किसी ना छोटे साई की जो ना डेरी है, और वो यहाँ पर बैठता है, जो भी करता है अल्लाह ताला की इबादत करता है, बहुत ज़्यादा आदमी है यहाँ पर इबादत करने वाले। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा एरिया कोटद्दू का, और कुछ दिन पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो वायरल की थी नेट पर, मैंने कहा था कि आज हम चलते हैं कोटद्दू लैया, हम जा रहे हैं और उधर जाकर हम आपको बाकी तफसीलात बताएँगे। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसे मनाजर हैं। दोस्तों ये शहर है कोटद्दू, अभी हम आए हैं कोटद्दू में क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना मामू रहते हैं, और मैं भी आया हूँ कोटद्दू में। ये है कोटद्दू का नज़ारा, अभी हम जाएंगे बाहर और आपको दिखाएंगे कोटद्दू कैसा है। दोस्तों ये एक छोटे से कब्र है यहाँ पर किसी दरवेश की, ये उसके ऊपर छोटे छोटे खजूरों के दरख्त, नीम के दरख्त, वैसे जो है ना ये छोटे छोटे दरख्त यहाँ पर लगे हुए हैं क्योंकि कोटद्दू में सबसे ज़्यादा होती है खजूर। ये छोटे छोटे दरख्त हैं, आज दोस्तों
आपने देख लिया लैयर कोटदू शहर, और अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो पर। अपने हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, हमारी वीडियो कीजिए लाइक, और अब हमें दीजिए इजाज़त। और अब मैं ना चलता हूँ घर, और घर जाकर खाते हैं दावत, क्योंकि शादी तो गुजर गई है। अब हम आए अपने मामू के घर, चलते हैं दावत, मुलाकात होगी अगली वीडियो पर। और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, और बहुत बहुत दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।